हम सेंट्रल सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो 5 साल हो गए हैं महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ रही है, उन्होंने मानदेय 1 रुपया नहीं बढ़ाया, हम लोगों ने कोरोना काल में भी इतना काम किया, हमारी मांग है कि हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी वर्कर को प्री नर्सरी टीचर का दर्जा दो, तो हम मांग कर रहे हैं हमें ये दर्जा दो, हमारा जो जब तक ये नहीं करते आप मिनिमम वेज दो, जो सरकार का खुद का बनाया हुआ है जो वर्कर के लिए 28,000 है, हेल्पर के लिए 25,000 है, वो दो। हमारे कुछ सेंटर है जिसमें वर्कर अकेले काम कर रहे हैं, हेल्पर उनके साथ नहीं है, उनको हेल्पर दो, आंगनबाड़ी की बिल्डिंग बनाओ। तो ये बातें हैं जिनको लेकर आप आज पूरे इंडिया से यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। हाँ, हमने अपना ज्ञापन भी सरकार को सौंपा है। कितनी महिलाएं आई होंगी? हजारों हजार महिलाएं यहाँ पे आज पहुँची है। पंजाब में बाढ़ चल रहा है फिर भी इतनी महिलाएं आई हैं, जहाँ बारिश हुई है फिर भी हम लोग डटे हुए हैं। सर, पहली तो हमारी मेन डिमांड यही है कि जो हम NGO के 3 ब्लॉक है चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल के अंडर काम कर रहे हैं, हमें अक्टूबर 2022 से मानदेय नहीं दिया गया क्योंकि किसी अदर स्टेट में कोई प्रॉब्लम आई है जिस पे इन्होंने FIR वगैरह की है, तो इसमें पंजाब वालों का क्या कसूर है? लेकिन हम ये बोलते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का क्या कसूर है? अगर NGO ने घपला किया है तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर तो ICDS स्कीम का काम कर रही हैं, तो उनको मेन विभाग में लिया जाए। हमारा जो मानदेय पिछला अक्टूबर 2022 से पेंडिंग है वो हमारा क्लियर किया जाए। अब तक का 10 महीने से जो वर्कर हेल्पर्स हैं, कई उनमें विडो हैं, उनके घर का जो गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो वो सभी मुश्किल में है। इस वक्त तो राशन वालों ने हमें राशन देना भी बंद कर दिया है, तो हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या कहना है? तो स्टेट गवर्नमेंट तो यही कहती है कि हम सेंटर से परमिशन मांग रहे हैं, हम उनको रिमाइंडर भेज रहे हैं, अभी तक हमें किसी भी प्रकार की उन्होंने परमिशन नहीं दी, जब तक वो परमिशन नहीं देते हम कर नहीं पा रहे, हमें उनसे परमिशन चाहिए।